नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ। बीते दिन भारत की महिला पहलवान बबीता फोगाट और गीता फोगाट की ममेरी बहन रीता फोगाट का निधन हो गया। उन्होंने ये बड़ा कदम इसलिए उठाया क्योंकि एक कुश्ती टूर्नामेंट में वो मैच हार गई थी। ममेरी बहन के ऐसे अचानक सबको छोड़ जाने से कुश्ती में भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाने वाली गीता फोगाट काफी दुखी है और उन्होंने अपने इस दुख को सबसे शेयर किया है और सुझाव भी दिया है कि हारना जीतना जीवन का एक हिस्सा है और किसी खिलाड़ी को भी इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिए। गीता फोगाट ने अपने ट्विटर पर शोक जाहिर करते हुए लिखा कि भगवान मेरी छोटी बहन, मेरे मामा की लड़की रितिका की आत्मा को शांति दे। मेरे परिवार के लिए बहुत ही दुख की घड़ी है। रितिका बहुत ही होनहार पहलवान थी। पता नहीं क्यों उसने ऐसा कदम उठाया। हार जीत खिलाड़ी के जीवन का हिस्सा होता है। हमें ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। बता दें कि रितिका महज 17 साल की थी और उन्होंने राजस्थान भरतपुर के लोहागढ़ स्टेडियम में आयोजित स्टेट लेवल सब जूनियर टूर्नामेंट में भागीदारी दिखाई थी। मुकाबले में रितिका केवल एक अंक से हार गई थी और वे इस हार को सहन नहीं कर पाई। गीता के अलावा उनकी बहन रितु फोगाट ने भी शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, छोटी बहन रितिका की आत्मा को भगवान शांति दे। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो पा रहा है कि आपके साथ क्या हुआ। आप हमेशा हमें याद आएंगी। राजस्थान के झुंझुनू जिले के गांव जैतपुर में रहने वाली 17 साल की रितिका अपने फूफा द्रोणाचार्य अवार्डी महावीर पहलवान के गांव बलाली में कुश्ती अकेडमी में अभ्यास किया करती थी। पिछले दिनों रितिका ने भरतपुर के लोहागढ़ स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय सब जूनियर, जूनियर महिला और पुरुष कुश्ती प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था, जिसमें वो मात्र एक अंक से हार गई थी। मिली जानकारी के अनुसार उस समय वहां रितिका के फूफा महावीर फोगाट भी मौजूद थे। हार के बाद रितिका शॉक्ड हो गई थी। वहीं 15 मार्च की रात 11 बजे उनका निधन हो गया। झोजू कला पुलिस थाना द्वारा दादरी के सिविल अस्पताल में उनका पोस्टमार्टम करवाया गया, जिसके बाद शव को घर वालों को सौंप दिया गया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ताजे तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए नेक्स्ट नाइन लाइफ के साथ। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन लाइफ को भी जरूर सब्सक्राइब करें।